हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कुख्यात गैंगस्टर की, जिसने अपराध की दुनिया में कदम सिर्फ 12 साल की उम्र में रख दिया था, जिस पर आज हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, रंगदारी, फिरौती, दो नंबर के हथियार बेचना और झगड़ों के अनेकों मुकदमे लगे हुए हैं, जिसने आज सोशल मीडिया के थ्रू लगभग पूरा भारत जानता है, जो मध्य प्रदेश की टॉप 10 की लिस्ट में उसका नाम आता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सलमान लाला की बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में, हर घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सलमान लाला का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में हुआ था और वैसे इंदौर की छोटी खजानी का ये रहने वाला है। दोस्तों, सलमान लाला ने महज 12 साल की उम्र में दारू तस्करी का काम करने लगा था। वैसे 12 साल की उम्र में हर बच्चे के हाथ में किताब होती है, लेकिन सलमान लाला ने बचपन में सोच लिया था कि मुझे मध्य प्रदेश का डॉन बनना है। इसी सोच के साथ सलमान लाला किसी अन्य बदमाश के साथ दारू तस्करी का काम करने लगा था और दारू बेचने लगा था। दारू में कुछ पैसे कमाकर उसने साथ में दो नंबर के अवैध हथियार बेचने लगा था। वह एक देसी कट्टे में लगभग 5,000 रुपए कमा लेता था, वो भी 13 साल की उम्र में। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो उस समय सलमान लाला की कमाई का। वह लगातार इस धंधे में लगा रहा। उसने अपने साथ कई साथियों को इस काम में लगा दिया और अपना एक गैंग तैयार कर लिया था और नाम रखा गया लाला की गैंग। उसके बाद सलमान की चर्चा न्यूज़ और अखबारों में होने लगी थी, क्योंकि दो नंबर के काम करने से उनका झगड़ा कई बार लोगों से हो जाता था। उसके बाद सलमान लाला उनके साथियों ने सामने वाले के हाथ पैर तोड़ देते थे। इन झगड़ों में सलमान लाला के हाथ से एक मर्डर हो गया था। सलमान लाला और उनके साथियों ने इंदौर के बीच सड़क पर एक आदमी को चाकू से खोदकर उसको मार डाला था और मौके पर फरार हो गए थे। इस हत्याकांड में उस आदमी की मौत हो गई थी, जिसके बाद सलमान पर 302 का मुकदमा लग गया था। उसके बाद सलमान लाला को जेल में डाल दिया था। सलमान लाला को पुलिस बच्चा समझ रही थी और उसे बच्चों वाली जेल में डाल दिया था। बच्चों वाली जेल में सलमान लाला ने अपनी एक गैंग खड़ी कर ली थी। उसके बाद उसने जमानत से बाहर आया तो वह बहुत ज्यादा खूंखार अपराध करने लगा था। जेल से बाहर आकर सलमान लाला ने अमीर घर की लड़की और लड़कों को किडनैपिंग करके उनके घर वालों से पैसे की डिमांड करता और कहता, अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। ऐसे करते करते सलमान लाला ने इंदौर शहर के पूरे नाक में दम कर दिया था। वह हर किसी भी कांड के लिए जेल में जाता और कुछ दिन बाद नाबालिग होने के साथ बाहर आ जाता था, क्योंकि जितने भी अपराध सलमान लाला ने किए हैं उसकी तो उम्र भी 18 नहीं हुई थी, जिसके कारण उसे पुलिस वाले छोड़ देते थे। वे सोचते थे कि बच्चा है, सुधर जाएगा, पर पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बन जाएगा। सलमान लाला को ब्रांड कपड़े पहनना और महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था। उसको लगता था कि पैसा, पावर और रुतबा तीनों ही अपराध जगत से मिलेगा। सलमान लाला अपराध जगत में बड़ा गैंगस्टर और बेताज बादशाह बन गया था। मीडिया में उसकी खबरें सुर्खियों में आने लगी थी। वह छोटे बच्चों से गांजे की पुड़िया शराब बिकवाता था। जब पुलिस सलमान लाला पर नकेल कसती और उससे पकड़ती, मगर वह कम उम्र होने का फायदा सलमान लाला को मिल जाता था और वो खुद छूट जाता था। उसके बाद लाला बेशुमार पैसे कमाने लगा था। लग्जरी और ब्रांडेड कपड़े पहनने का उसका शौक बन गया था। वह लग्जरी गाड़ियों के लॉक तोड़कर उसे चुरा ले जाता था। जब लाला जेल में था तो जेल में भी उसका एक कांड सामने आया था। जेल में एक कैदी को सलमान लाला ने इतना मारा कि उसके नाक और गले से और कानों से खून आने लगा था। ये संकी टाइप का था, बाहर से मुस्कुराता था और अंदर से बहुत ज्यादा खूंखार था। सलमान लाला जब भी किसी कांड को अंजाम देता था तो उसे फिल्मी स्टाइल में काम करता था। जब भी लाला किसी को पीटता था तो उसके सारे कपड़े उतारकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। लाला अपने धमकी भरे वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा था और इन सब के साथ ही सलमान लाला ने शायरी भी लिखता था। लाला बड़े घरों की लड़की और लड़कों से दोस्ती करता, फिर उसे नशे की लत लगाता था, बाद में उसे किडनैपिंग करके रंगदारी मांगता था। सलमान लाला ने कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाकर उनकी जिंदगी खराब कर दी है। वैसे वह पैसे कमाने के लिए हर बुरा काम को अंजाम दे देता था। जब लाला जेल में चला जाता था तो उसकी मदद के लिए उसके गैंग के भाई लोग पुलिस को लेकर वकील तक पैसे खिलाकर उसको छुड़वा लेते थे। फिर वह जेल से बाहर आकर कांड को अंजाम देने लगा था। सलमान लाला के आसपास के इलाके के लोग उसे खौफ खाने लगे थे। सलमान लाला इंदौर शहर के बड़े बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगता था।
अगर कोई व्यापारी उसे पैसे देने से मना करता तो सलमान लाला के और उसके गुर्गों के लोग व्यापारी को जान से मार देते थे, इसलिए अधिकतर व्यापारी उसे पैसे दे देते थे। इन चीज़ों को सारा लेकर सलमान लाला खुद को डोंट समझने लगा था। अभी तक सलमान लाला पर 14 से 15 खून और झगड़ों के हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे हजारों मुकदमे लगे हुए हैं। इतने मुकदमे लगने के बाद वह पीछे नहीं हटता और एक के बाद एक कांड को अंजाम देने में लगा रहता है, क्योंकि सलमान लाला लॉरेंस बिश्नोई की तरह बड़ा डॉन बनना चाहता है। वो भी चाहता है कि पूरा देश मेरे नाम से डरे। फिलहाल सलमान लाला इंदौर की जेल में बंद है। मालिक को छोड़कर कोई हमें गिरा दे, ऐसी कोई आफत नहीं है। मालिक को छोड़कर कोई हमें गिरा दे, ऐसी कोई आफत नहीं है। और यूं ही नहीं आ गए इतनी ऊपर, क्योंकि हमें किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं है। दोस्तों, आपकी सलमान लाला के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब दे सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।